ज्यादातर देखा गया है कि हम में से जो लेडीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हैं, वो वहाँ के मोनोटोनस वर्क कल्चर और नेचर ऑफ जॉब की वजह से थोड़ा सा अलूफ या डिटैच रहती हैं। लेकिन अगर मैं आपको आज के गेस्ट के बारे में बताऊं, जो न सिर्फ एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर पोस्टेड हैं, बल्कि उनको लाइफ के देखने का नजरिया बहुत ही पोएटिक और डिफरेंट है। इनकी सादगी और सिंप्लिसिटी से आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये न सिर्फ एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड ऑथर हैं, बट ऑल्सो शी इज होल्डिंग अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल जॉब इन वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्थ अ मेंशन। यस फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नीलम सक्सेना चंद्रा, जिन्होंने न जाने कितनी बुक्स को ऑथर किया है। इन फैक्ट हर नेम कम्स इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। Isn't that just amazing? Right now, she is also holding the position of Additional Divisional Railway Manager, and talking to her will be a pleasure. So before I start today's interview, let me urge you to subscribe to our channel and be a part of our community. Hello Neelam ji, welcome to Women Influencers Talk Show. Kaisi hain aap? आज जब सदफ ने मुझे विमेन इन्फ्लुएंसर्स टॉक शो पे आमंत्रित किया, तो ऐसा लगा कि यादों के सफ़े खुलने लगे हैं। यादों के सफ़ों को जब खोला, न जाने कितनी खूबसूरत दास्तां याद आई। यादों के सफ़ों को जब खोला, न जाने कितनी खूबसूरत दास्तां याद आई। कुछ हवाओं में गुलों सी महकने लगी, कुछ फलक पर सितारों सी जगमगाई। सो थैंक यू सदा फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वंडरफुल टॉक शो। द प्लेजर इज ऑल आवर्स मैम। वैसे इन सफों पे लिखा क्या है, प्लीज शेयर अ लिटिल बिट अबाउट योर चाइल्डहुड। आई वाज अ वेरी लोनली पर्सन एज अ चाइल्ड। आई वुड लव टू कीप टू मायसेल्फ। आई वाज एन इंट्रोवर्ट। हाउएवर, बुक्स वर माय बेस्ट कंपेनियन। I would read a lots and lots of books. I would also keenly observe everything, people around me, nature, how the social interactions, and I would just make a note of it in my mind, which later helped me in my writing journey. And I had a lot of dreams. I was always dreaming, and I wanted to reach a position which people at that time thought was impossible, so I wouldn't speak about it, but yes, and lot of dreams. मैंने कहा था ना, नीलम जी को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि एक इंट्रोवर्ट थी। नीलम जी, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको कई सेमिनार्स अटेंड करनी पड़ती होंगी, कई कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता होगा, इनफैक्ट आपको अपने जॉब के तहत भी कई लोगों से मिलना पड़ता होगा, तो ये कैसे आप कह रही कि आप एक इंट्रोवर्ट थी? एनीवेज, आपने जैसे कहा कि आपको बचपन में बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो जाहिर सी बात है लिटरेचर वॉज समथिंग यू वर फॉन्ड ऑफ। लेकिन मैंने एक और बात सुनी है कि आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट बहुत पसंद था, रियली? जी हाँ, मुझे बचपन से दोनों चीजें बहुत पसंद थी, गणित भी और अंग्रेजी या हिंदी भी, यानी लिटरेचर। ये कुछ लोगों के लिए शायद दो कोन होंगे, परंतु मेरे लिए ये एक ही कोन था, या मीन्स देवर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बुक्स बहुत पढ़ती थी, तो उसके ज़रिए मैंने कई लोगों की कहानियाँ पढ़ी और देखा कि कैसे मुश्किलों को पार करके वो लोग ऊपर बढ़े हैं, आगे को बढ़े हैं। और मैथ्स ने तो मुझे वो बनाया ही जो मैं आज हूँ, तो मुझे मैथ्स आज भी उतना ही प्रिय है और उतना ही प्रिय लिटरेचर भी है। क्या बात है नीलम जी, आपने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस दोनों में ही बहुत बुक्स लिखी हैं। इनफैक्ट 2015 में आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया फॉर बीइंग द ऑथर टू पब्लिश मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन अ ईयर। दैट्स सो अमेजिंग। इसके बारे में आप कुछ बताइए। आई रोट 11 बुक्स दैट ईयर, एंड यस, आई डिड नो दैट आई वाज गोइंग टू मेक अ रिकॉर्ड, एंड आई वाजंट इवन इंटरेस्टेड इन इट। It was just that my publisher thought that it was a record which was worth applying for, and he applied on my behalf, of course with my consent, and that's how I got it. कहते हैं ना
कि चंद मुरादों का गगन से मिलना अभी बाकी है, कुछ तमन्नाओं का तितली सा उड़ना अभी बाकी है, अभी तो चुन रही हूँ लकड़ियाँ अलाव की, इस अलाव में आग का तपना अभी बाकी है। बहुत खूब नीलम जी, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि ये ख्वाहिशें ही होती हैं जो हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। एंड योर बुक लाइंस ऑफ फेट हैज सच स्वीट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ होप दैट इट वाज अ डिलाइट फॉर मी टू रीड देम। नीलम जी, इस राइटिंग जर्नी में आपकी मुलाकात हुई विद नन अदर देन गुलजार साहब, प्लीज शेयर द एक्सपीरियंस। गुलजार साहब से मेरा मिलना ये तो एक इत्तेफाक ही था। अमेरिकन एम्बेसी और अरुषि द्वारा एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया था फेसबुक पे, जिसमें 25 लफ्जों में एक छोटी सी कविता लिखनी थी सोशल चेंज के ऊपर। मेरा नाम इतना जाना पहचाना नहीं था, मैं नई थी लिखने के क्षेत्र में, और मेरा भी मन किया इसमें पार्टिसिपेट करने का, और मैंने अपनी एंट्री भेज दी। और अचानक एक शनिवार जब मैं आराम से बैठी हुई थी, मुझे बॉम्बे से एक फ़ोन आया कि आपको द्वितीय पुरस्कार मिला है और गुलजार साहब जी ही जज थे और उन्हीं के हाथों से ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा, तो क्या आप आ सकती हैं। तब मैं लखनऊ में पोस्टेड थी और मेरा परिवार मुझसे ज़्यादा खुश था कि मुझे ये पुरस्कार मिला है। और ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग तो छोटी छोटी बातों पे फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और जो गुलजार साहब जैसी शख्सियत थी उनमें जो सादगी थी ये उनकी खासियत थी। उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए और बड़े अच्छे से बातचीत की, गुफ्तगू की, और ये क्षण मेरे लिए एक ट्रेजर की तरह है जो कि मैं कभी भूल नहीं सकती। जाहिर सी बात है, ऐसी शख्सियत से मिलना और रूबरू होना कोई आम बात नहीं है। नीलम जी, what advice would you like to give to all the women who are watching this show about performing their duties and also following their passion? It certainly is very difficult for the women to pursue a job, do household work and then follow passion. But let me tell you, it's not impossible. I'm a living example and there are so many others like me. You know, when times are difficult, when children are small, it may seem impossible, but let that dream be always there in your heart and then you will see that one day your dream is going to come true and you will shine like a star. बिल्कुल सही कहा आपने। Now let's talk about your new book, The Red Diary. What is it about? The Red Diary is a novel and it is available on pre-order right now. You know, it is also a novel in which the social issues are intricately weaved around relationships. It starts with the main protagonist Rehan finding himself in an orphanage, and he's having two friends, Ina and Shivi. Ina is his love interest. Shivi silently supports him. What will happen to this relationship is what you need to find after reading the novel. Also, the main mystery, why he is in the orphanage, that's hidden in the Red Diary, which you'll get to know in the third part of the book. So, just place your order and read the book. Well, agar aapko bhi ye raaz janna hai, so you know what to do. Just book your copy right away. Neelam ji, aapko hamare show pe aake kaisa laga and what are your thoughts about our show? Women Influencers Talk Show ek bahut hi sarahaniya karya kar raha hai. क्योंकि हर वुमेन की समस्या लगभग एक सी होती है। अगर हम एक दूसरे से चर्चा करें, एक दूसरे को सुनें, तो हम ये समझेंगे कि कैसे उन्होंने वो जो लक्ष्मण रेखा है, जो आज सक्सेसफुल वुमेन के तौर पर जानी जाती हैं, उन्होंने कैसे वो लक्ष्मण रेखा पार की। और जैसे कि मैं कई लोगों को सुन चुकी हूँ, कुछ लोग आज मुझे भी सुन रहे होंगे और शायद हो सकता है एक दो लोग इंस्पायर हो जाएं, और अगर एक भी जन इंस्पायर हो गया तो मेरा इस टॉक शो पे आना सफल हो जाएगा।
तो इस तरह के टॉक शोज बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग अपने दिल की बात कह सकते हैं, खुलकर कह सकते हैं, और सुनने वालों को उससे इंस्पिरेशन मिलता रहेगा और वो आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू नीलम जी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड गुड विशेस। इनफैक्ट हमारे शो का तो मकसद ही ये है कि हम ग्लोबल लेवल पर सारी वुमेन को एक साथ जोड़ें, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी लाइफ जर्नीज को आप सबके साथ शेयर करें, ताकि आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू नीलम जी फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम अगेन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।